नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल शर्मा और हम वापस आ गए इतिहास पढ़ने के लिए। राजस्थान इतिहास आपको जैसे पता है विदित है कि हम राजस्थान इतिहास हमने स्टार्ट किया था और हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है वंश मेवाड़ राजवंश, जो मैंने पहले आपको बता दिया है कि मेवाड़ राजवंश दुनिया का सबसे दीर्घकालिक राजवंश है। मेवाड़ राजवंश में हमने सबसे पहले मेवाड़ की स्थापना के बारे में पढ़ा था, फिर दूसरा बप्पा रावल के बारे में पढ़ा था जिन्होंने मेवाड़ को बसाया है, और तीसरा हमने अल्लू रावल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आगे के राजा के बारे में, तो ध्यान दो। अगले राजा थे रण सिंह के दो पुत्र थे, सेम सिंह और राहफ। सेम सिंह और राहफ ये रण सिंह के दो पुत्र थे। इतिहास की बहुत सारी किताबों में इनका इतना ही जिक्र आता है। सेम सिंह जैसा आपको विदित है कि यानी प्राचीन काल से ये ऐसा आता जा रहा है कि सभी वंशों में राजा वही बनेगा जो बड़ा है, तो इनमें से बड़ा पुत्र था सेम सिंह, तो इसको मिली चित्तौड़ की गद्दी। इसको चित्तौड़ मिला, इसको मिला ये छोटा भाई था, तो ये चला गया पर्यटन करने, घूमने चला गया। तो ये घूमते घूमते एक गांव में गया, सिसोदा गांव। ये सिसोदा गांव में चला गया और इसने सिसोदा गांव बसाया था राहब ने। तो मोटी मोटी बात यही थी इनकी कि रण सिंह के दो पुत्र थे सैम सिंह राहब, और सैम सिंह चित्तौड़ का राजा बना और राहब ने सिसोदा गांव बसाया। ये ज्यादातर सभी इतिहास की किताबों में इतना ही इनके बारे में विदित होता है। अगले राजा पढ़ेंगे हम सेम सिंह, इनके बारे में पढ़ें जो चित्तौड़ के रण सिंह के बाद में राजा बने। सेम सिंह के दो पुत्र थे, इनके भी दो पुत्र थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह और कुमार सिंह दो पुत्र थे। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है, इन दोनों में से बड़ा कौन था? सामंत सिंह। इसलिए राजा कौन बना? सामंत सिंह राजा बना। और कुमार सिंह ये भी चला गया था पर्यटन करने के लिए, घूमने के लिए। उस समय ऐसे करते थे कि छोटा बेटा दूसरी जगह कहीं घूमेगा, बड़ा बेटे को राज मिलेगा। कुमार सिंह देशाटन करने चला गया था। अब जैसे सामंत सिंह है और कुमार सिंह, सेम सिंह के बारे में इतना ही मिलता है ज्यादातर सभी हिस्ट्री की किताबों में। इसके आगे हम पढ़ेंगे सामंत सिंह के बारे में। सामंत सिंह 1172 में राजा बना मेवाड़ का। फिर एक नाडोल का था, 1172 में सामंत सिंह राजा बन गया। फिर नाडोल जो अभी पाली में पड़ता है उसके एक राजा थे कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह को हरा दिया। नाडोल जो पाली में पड़ता है के कीर्तिपाल चौहान ने इनको परास्त कर दिया।
कीर्तिपाल चौहान जो नाडोल के थे उन्होंने सामंत सिंह को परास्त कर दिया। उसके बाद में सामंत सिंह ये वागड़ क्षेत्र में चले गए। वागड़ क्षेत्र जो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा आते हैं। वागड़ क्षेत्र में प्रस्थान किया जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा आते हैं। वहां पर जाके इन्होंने प्रस्थान किया। और अगर कोई पूछ ले कि वागड़ क्षेत्र में मेवाड़ राजवंश की नींव किसने रखी थी तो सामंत सिंह ने रखी थी। वागड़ क्षेत्र में मेवाड़ राजवंश की नींव रखी सामंत सिंह ने। फिर इसके बाद में 1179 में जो कुमार सिंह था, जो मैंने पहले आपको बताया सेम सिंह का छोटा बेटा था कुमार सिंह, जो देशाटन करने गया था, 1189 में कुमार सिंह वापस आया चित्तौड़, वापस मेवाड़ आया। पर उसको पता चला कि वहां पर चौहानों का शासन हो चुका है और उन्होंने सामंत सिंह को ढूंढते वो वागड़ क्षेत्र में गए। उन्होंने कहा सामंत सिंह को कि आप वापिस जाओ, वापिस मेवाड़ पर अपना अधिकार लो। तो सामंत सिंह ने कहा कि मैं अपनी इधर अच्छे से सेटल हो गए हैं तो अब हम इधर से नहीं जाना चाहते, तो आप चले जाओ। तो कुमार सिंह ने 1179 में मेवाड़ जाकर जो यही है मेवाड़ जाकर कीर्तिपाल चौहान को हराया। कुमार सिंह ने राजगद्दी जीती या उनको राजगद्दी पर उनको बैठाया गया। यह था सामंत सिंह और कुमार सिंह का परिचय। तो अभी हमने कितने पढ़ लिए, बप्पा रावल पढ़ लिए, अल्लू रावल पढ़ लिए, रण सिंह को पढ़ लिया। रण सिंह के कितने बेटे थे, दो बेटे थे, सेम सिंह और राहब। सेम सिंह चित्तौड़ के राजा बने, राहब ने सिसोदा गांव बसाया। फिर सेम सिंह के दो बेटे हुए सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह राजा बने 1172 में, पर नाडोल जो पालीम पड़ता है वहां के कीर्तिपाल चौहान जो चौहान वंश के थे उन्होंने वहां पर अधिकार कर लिया। उसके बाद में सामंत सिंह वागड़ क्षेत्र में चले गए जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का अभी वर्तमान क्षेत्र है। उन्होंने वहां पर जाके मेवाड़ राजवंश की नींव रखी। फिर कुमार सिंह वापस आए 1179 में। उसके बाद में 1179 में कुमार सिंह ने कीर्तिपाल चौहान को हराकर मेवाड़ में वापस गुहिल वंश की स्थापना की थी। तो इसके बाद में इसका आगे के जो राजा है वो अगले वाले वीडियो में हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद।